मेरी तबीयत खराब लग रही है। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? कब तक मैं ठीक होऊंगी? मुझे लगता है कि तुम्हें चॉकलेट की जरूरत है, इससे तुम ठीक हो जाओगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओह, क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाह, हम लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार चॉकलेट चुनौती प्रतीक्षा कर रहा है। चलो देखते हैं। पहले कौन शुरू करेगा? चलो इसे गेम से पता करते हैं। तो हुरे, मैं ताकतवर हूँ, तो मैं पहले शुरू करूंगी। वहाँ एक मॉन्स्टर है, मैं ढक्कन नहीं उठाऊंगी। मॉन्स्टर? यह कैसा मॉन्स्टर है? यह तो एक साधारण चूहा है, देखो कितना प्यारा है। चूहा? हाँ, यह एक बड़ा सा चूहा है। तुम कुछ नहीं समझ रही हो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। तुम्हें बस उसे खाना खिलाना है। अगर मेरे पास एक असली चूहा है तो तुम्हारे पास एक चॉकलेट होना चाहिए, मुझे वो खाने में खुशी होगी। रुको, अपना हाथ हटाओ, मैं तुम्हारे बिना अपनी चॉकलेट खा लूंगी। अच्छा, तब फिर मुझे गलत तरीके से कुछ करना होगा। आज के लिए मेरे पास एक योजना है, यह एक शानदार योजना है। शायद मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कुछ नहीं सोचा है। कितना स्वादिष्ट है, चॉकलेट तो मुंह में ही पिघल जा रहा है। आश्चर्य है, मोनिका कहाँ है? वो कहाँ गई? अच्छा ठीक है, मैं अकेले चॉकलेट खाऊंगी। क्या, मेरा चॉकलेट का चूहा कहाँ है? ओ मोनिका, तुमने चुराया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे दूसरे की कैंडीज चुराई जाती है। मिस्टर चूहा, तुम्हारा सबसे अच्छा समय आ गया है। अरे नहीं, इसे हटाओ, वो मुझे खा जाएगा। बन एपेटी, उसे और मुझे भी। ईमानदार होने के लिए सब कुछ मिलाना होगा। अरे हीरा, ये चॉकलेट की तरह महक रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट भी होगा। यदि तुम्हारा डायमंड चॉकलेट है तो मेरा असली होगा। ओ। वाह, मुझे इस खूबसूरती को चुराना ही होगा। जरा देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ, मैं इसे बहुत सारी चीजें खरीद सकती हूँ। सुनो मैरी, क्या तुम मुझे इसे दे सकती हो? वह नकली है, मैं इसे तुरंत देख सकता हूँ, और बदले में मैं तुम्हें एक खिलौना दूंगा। नो। या एक फूल दूंगा। ओह माय, नो। नहीं, या शायद तुम्हें और कुछ खास चाहिए। असली हीरा का मिलना कितना मुश्किल होता है, चॉकलेट के साथ सब कुछ बहुत आसान है। मैं इसे खाना चाहती हूँ, कम से कम एक बाइट भी। मैं समझ गया, हो जाएगा। रुको मैरी, यह खास करके तुम्हारे लिए है, इसके मजे लो। बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम इस असली हीरे के लायक हो, तुम्हारा मतलब नकली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अलविदा सबको, मैं अपनी चॉकलेट ले रही हूँ क्योंकि वो मेरा है। नहीं, मैंने इसे खरीदा है, इसलिए ये मेरा है। ओह, लगता है हमें धोखा दिया गया है। जैक, हमारे हीरे कहाँ है? लड़कियों, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं लिया, या लिया भी है तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैरी देखो वहाँ क्या है। कहाँ?
खोजो जब तक मैं ढक्कन खोलती हूँ। वाह पटाखा, अब मैं यहाँ एक असली उत्सव मनाऊंगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया। और क्या तुम उसमें सच में फंस गई? हुर्रे! यहाँ कोई पार्टी चल रही है। दोस्तों मेरा जन्मदिन 2 महीने में है, आज ये रिहर्सल था। यदि ये पटाखा असली है तो मेरा चॉकलेट होना चाहिए। यह ना केवल मजेदार होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। ओ, क्या घटिया पटाखा है, पर यह स्वादिष्ट है। हाँ ऐसा लगता है कि यह चॉकलेट नहीं है, यह थोड़ा। चुप रहो, मैं जानती हूँ और ये मजाक नहीं है। हम तैयार हैं और यहाँ हमारा भोजन है। वाह, मुझे पहले ढक्कन हटाने दो। वाह चॉकलेट 10 में से 10। तुम बहुत भाग्यशाली हो जैक, मुझे नट्स के साथ चॉकलेट बहुत पसंद है। मुझे यकीन है वो निराश नहीं करेगा। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बिल्कुल, यह सिर्फ दिव्य है। नट्स मेरे मुंह में कितने अच्छे से क्रंच कर रहे हैं। वाह जैक, मुझे भी दो प्लीज। मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, माफ करना मैरी। अपनी थाली खोलो। अरे नहीं, या नहीं, बदबूदार खराब चीज। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, कुछ करो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? बस इसे ले लो और इसे जल्द से खा लो। मैरी चलो। जैक लेकिन मैं नहीं चाहती, ये चीज बहुत ही घिनौना लग रहा है, मुझे उल्टी हो जाएगी। अगर कुछ होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। भयानक स्वाद, लेकिन यह संभव नहीं है, तुम्हें यह सब खाना होगा। मैरी मुझे माफ कर दो पर तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम क्या कर रहे हो जैक? मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे करना था। ओ मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं पूरा हरे रंग की हो गई हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे डकार आ रही है। छी, कितना खराब, अब हमारा दम घुट जाएगा। तुम सही हो मोनिका, मैं अब और सांस नहीं ले सकता। मेरे पास एक आइडिया है, हमें बस अपनी नाक पर एक कपड़े की पिन लगाने की जरूरत है, इस प्रकार से। ऐसा लगता है कि बदबू कम हो गई है, मैं लौटने की कोशिश करूंगी। यह देखने का समय है कि मुझे क्या खाना मिला है। वाह चिप्स, बढ़िया है। अंत में कुछ अच्छी खबर, यह मेरे चिप्स को देखने और उन्हें खाने का समय है। गुड लक मोनिका। वाह मोनिका को चिप्स मिल गई, बधाई हो। ये एकदम सही दिख रहे हैं, मुझे पता था कि गोल खाना मुझे निराश नहीं करेगा। एक सेकंड रुको, लेकिन यह पूरा गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि स्थिति को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक वास्तविक गोल कैसे दिखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कर रही है, अब तुम खुद देख लोगे। यह कैसे संभव है ना, यह बहुत खूबसूरत। इसे खाने का सपना भी मत देखो, सभी चिप्स मेरे हैं। अब ये निश्चित रूप से एक वास्तविक सर्कल की तरह दिखते हैं, तो वे मेरे और केवल मेरे हैं। कितना कुड़कुड़ा, बढ़िया, मैं रुक नहीं सकती, यह स्वादिष्ट है। तुम सही हो, यह स्वादिष्ट है। मोनिका इस बार शुरू करेगी। कैक्टस, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो बहुत कांटेदार है, मैं इसे कैसे खाऊं? बेचारी, इस बार तुम बहुत बदकिस्मत रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बोन एपिटिट। मैं यह भी नहीं जानती कि इसे छूना कैसे है। ओह कांटा चुभ गया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुको, मुझे लगता है कि मेरे पास एक शानदार आइडिया है, बस सभी कांटों को छोटी कैंची से काटने की जरूरत है। अच्छा आइडिया मोनिका, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। खैर अब कैक्टस इतना डराने वाला नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इसका स्वाद अच्छा होगा, लेकिन कांटों के बिना यह वैसे भी बेहतर है। कितना कड़वा, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है, यह असली बकवास है। अब मैं इसे फेंकने जा रही हूँ, मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकती। माफ करना, यह बहुत ही बेस्वाद है। मोनिका जल्दी करो, तुम्हें देख के गंदा लग रहा है।
बस हो गया, मैं कर चुकी हूँ। अब तुम जैक। मुझे आशा है कि कैक्टस नहीं है। वाह सैंडविच, यह अच्छा आश्चर्य है। मैंने कहा चौकोर खाना सबसे अच्छा है। अब तुम ये खुद देख सकती हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में एक जेंटलमैन की तरह कैसे खाया जाता है। मैं एक नैपकिन रखूंगा ताकि मैं गंदा ना हूँ। खैर अब यह खाने का समय है। ओ, ऐसा लगता है कि मैं कुछ और भूल गया हूँ। मुझे कटलरी चाहिए। एक कांटा और एक चम्मच ठीक काम करेंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सॉस। केचप के बिना सैंडविच मजेदार नहीं होगा। मैं इसे बहुत रसदार बनाने के लिए और ज्यादा डालूंगा। मेरी जीभ में पानी आ रहा है। जैक जल्दी करो प्लीज। जैसा तुम कहो मोनिका। देखो मैंने शुरू कर दिया है। पर सैंडविच का एक टुकड़ा काटना इतना आसान नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? इसके लिए तुम एक चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें चाकू की जरूरत है। हमें उसकी मदद करनी होगी मैरी। मुझे लगता है कि ये तेज होगा। विरोध मत करो जैक, अपना पूरा मुंह खोलो। यह क्या किया तुमने? मैं हर बाइट के मजे लेना चाहता था। हालांकि यह बहुत तेज निकला। धन्यवाद। अब मैरी। ओके। आइसक्रीम कोन। मुझे बताओ मैं सपना नहीं देख रही हूँ। वो कितना स्वादिष्ट है, मैं बस खुश हूँ। सॉरी मैरी, लेकिन आइसक्रीम एक असली सर्कल की तरह दिखती है, तो मुझे खाना पड़ेगा। कितना स्वादिष्ट है। वाह। Oh, no! तुम क्या कर रही हो मोनिका? रुको, यह मेरा खाना है। और अब यह त्रिकोणीय हो जाएगा। मैं सिर्फ हेयर ड्रायर लूंगी और आइसक्रीम पिघलाऊंगी। वाह, यह पिघल कर कोन की तरह आकार ले रहा है। हाँ जैक, यह सही है। यह मेरी योजना है। तैयार, अब यह सब मेरा है। तो यह कैसा है मैरी? स्वादिष्ट? ओ यह शानदार है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा खाना। कितनी लालची हो, तो मुझे आइसक्रीम दे सकती थी। मुझे और जैक को थोड़ी सी तो दे सकती थी। बहुत देर हो गई, मैंने पहले ही सब कुछ खा लिया है। नया खाना, वाह। मैं पहले खोलती हूँ। बर्गर, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। आखिरकार मुझे अच्छा खाना मिला। बहुत रसदार, बहुत बढ़िया। जब बर्गर में बहुत सारे टॉपिंग होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे पूरा खा जाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मोनिका, तुम बहुत गंदे तरीके से खा रही हो। ओ कॉकरोच, यह सब तुम्हारे कचरे की वजह से हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ इधर बैठ जाओ। कॉकरोच बचाओ, मुझे कॉकरोच से नफरत है, कोई यहाँ से हटाओ। मोनिका अब कभी मेरे ऊपर खाना मत फेंकना, समझी? माफ करना मैरी, कॉकरोच को देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती हूँ। अब कुछ और करने का समय है, जैसे कि मेरा खाना। जरा देखो यहाँ कितने गम है। और इसका आकार देखो, सही चौकोर। अब इसका स्वाद लेने का समय आ गया है। मुझे निश्चित रूप से अब इस रैपर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक मुंह में, तुम्हें मानना होगा मैं बहुत अच्छा हूँ। जैक बस बहुत हो गया। मान लो तुम मुझसे सिर्फ ईर्ष्या कर रही हो। देखो मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा। देखो दो च्युइंगम, और अब मैं उन्हें इस तरह अपने मुंह से पकड़ लूंगा। कितना अद्भुत है, शाबाश। मेरे पास शब्द नहीं है। और वो सब कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बाकी च्युइंगम मैं आसानी से अपने मुंह से पकड़ सकता हूँ। हो गया, अच्छा है ना? अरे तुमने देखा क्यों नहीं, मैंने ये सब विशेष रूप से तुम्हारे लिए किया है। शायद एक बड़ा बबल तुम्हें चौंका देगा। अब मैं इसे फुलाऊंगा। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। गहरी सांस लेकर फिर से कोशिश करने की जरूरत है। बस एक सेकंड, मैं बस गम को बेहतर तरीके से चबाऊंगा। अरे नहीं, मैंने इसे थूक दिया, यह गलती से हुआ। ठीक है मैं दिखावा करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम्हारी बारी मैरी। आखिरकार मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। नाचोस, बहुत अच्छा। कितने सुंदर और स्वादिष्ट त्रिभुज, मुझे लगता है कि उन्हें एक बार में खा सकती हूँ। बस हो गया, बहुत स्वादिष्ट। मुझे अफसोस की बात है कि मेरा हिस्सा इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैरी जब तुम खा रही थी तुम्हारा चेहरा त्रिकोण जैसा हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मेरा शेप है। वाह पिज्जा, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट सर्कल है। तुम लोगों को क्या मिला है? मेरे पास सूखे नूडल्स का एक पैकेट है। सच कहूँ तो मुझे कुछ बेहतर चाहिए था। और मेरे पास ताजा बेरीज के साथ केक का एक टुकड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ, वो कितना सुंदर है। मैं पहले स्ट्रॉबेरी खाऊंगी।
देखो इसमें एक त्रिभुज का आकार है। मोनिका इसे खाने के बारे में सोचना भी मत, यह मेरी बेरी है। वो बहुत रसदार और पकी हुई है। बहुत बढ़िया, तुम्हें चाहिए? हाँ क्यों नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि वह मेरी है। मैरी हमें चिढ़ाना बंद करो। जैक मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, लो इसे खाओ। वैसे नहीं, माफ करना, मेरी पहले ही खत्म हो चुकी है। यह सही नहीं है मैरी, हम इस तरह के खेल नहीं खेलते हैं। अब केक को खाने का समय आ गया है। ओह कितना मुलायम है, इसमें कितनी क्रीम है, ठीक उसी तरह जो मुझे पसंद है। यह स्ट्रॉबेरी से भी बेहतर है, मैं रुक नहीं सकती। वो कम से कम हमारे साथ केक शेयर कर सकती थी। माफ करना लेकिन केक खत्म भी हो गया है, देर हो गई, अपना खाना खाओ। और अगला कौन है? ओ ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, पूरी तरह भूल गई। खैर मैं तैयार हूँ, इसके अलावा पिज्जा ठंडा हो रहा है। यह वापस दो, यह मेरा है। इसे देखो, यह टुकड़ा त्रिकोणीय है, इसलिए मुझे इसे जरूरी खाना चाहिए। मैरी यह सही नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। सॉसेस के टुकड़े गोल होते हैं, जिसका मतलब है कि वे निश्चित रूप से मेरे हैं। कितना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा, मुझे पेपरोनी पसंद है। अच्छा है कि बहुत सारे हैं। एक टुकड़ा और फिर दूसरा टुकड़ा, मैं खुश हूँ। खैर पेपरोनी खत्म हो गई है, अब ये पिज्जा तुम्हारा है। मैरी तुम उसे ले सकती हो, लेकिन सॉसेस का एक भी टुकड़ा नहीं बचा है। मुझे यह पिज्जा पसंद नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ या तुम लोग कुछ करने वाली हो? ओ मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने नूडल्स को खाने का समय आ गया है, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत है, पैक भरा हुआ है, खोलने और जांचने की जरूरत है। या क्या हुआ जैक, तुमने पैक फाड़ दिया, तुम्हारी वजह से हम सब नूडल्स में ढके हुए हैं। माफ करना यह गलती से हुआ है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा है कि पास्ता फैक्ट्री में धमाका हुआ है। हाँ वो तो है, अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मुझे स्वाद पसंद आए। हाँ अच्छा है, मैं खुश हूँ। हमारी चुनौती समाप्त हो गई है, कौन सा बेहतर है, गोल भोजन, चौकोर या त्रिकोणीय? यह आप और केवल आप पर निर्भर करता है। हम कमेंट्स में आपकी राय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही फिर मिलते हैं।